कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में पिछले 47 दिन से चल रहे आंदोलन में किसानों की सिर्फ एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून को केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जाए। लेकिन किसानों के साथ केंद्र सरकार के 9 दौर की वार्ता हो चुकी है। किसान सिर्फ एक ही मांग पर अड़े हुए हैं कि तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। 10वें दौर की वार्ता 15 जनवरी को दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। हालांकि किसान अब 26 जनवरी की तैयारी में जुट गए हैं। किसानों को कहना है कि 26 जनवरी को लाखों ट्रैक्टर ट्रॉलियां के द्वारा बड़ी संख्या में किसानों के द्वारा दिल्ली के लाल किला पर झंडा फहराएंगे। किसान विषम परिस्थितियों में सड़क पर खुले आसमान में कड़कड़ाती ठंड में पिछले 47 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान कृषि अध्यादेश के विरोध में सड़कों पर डटे हुए हैं। दूर दराज के पहुंचे किसान द्वारा लंगर चलाकर किसान आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के काफी संख्या में किसान दिल्ली आंदोलन में पहुंच रहे हैं। आंदोलन में डटे किसानों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सुरेंद्र डेलू ने। एक कृषि कानून के विरोध में पिछले 47 दिनों से जहां आंदोलन चल रहा है, आप देख सकते हैं शाहजहांपुर बॉर्डर पर जहां 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। किसान यहां पर टेंटों में निवास कर रहे हैं। यहां पर 24 घंटा लंगर चल रही है। आप एक देख सकते हैं यहां का दृश्य। यहां पर रोटियां बनाई जा रही है। यहां पर महिलाएं भी बड़ी संख्या में नज़र आ रही है। हम इनसे जानना भी चाहते हैं, इस क्षेत्र के जो किसान पहुँचे हैं, ये जो आंदोलन चल रहा है, जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी आए हुए हैं पंजाब पूरे राजस्थान से, सबका एक ही मकसद है कि बिल जब तक वापस नहीं होगा, चाहे 6 महीने लग जाए, कोई नहीं जाएगा। 10 दिन से मैं आया हूँ, ये 1.5 महीने से आए हुए हैं, अभी कल ही गई हैं 1.5 महीने से। पंजाब की महिला आई हुई थी, बुजुर्ग जो 60 से 70 साल के बीच थी, सबके लिए भोजन बनाती थी। इनका लंगर जब से है तब से चल रहा है, जिस दिन से शुरुआत हुई है, ये 1.5 महीने से यहाँ डटे हुए हैं, और अभी तीन महीने 6 महीने चलेगा तो भी डटेंगे यहीं पर। बिल्कुल, किसानों का कहना है कि जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक घर वापस नहीं जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर किसान इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर खुले आसमान में यहाँ रह रहे हैं। ये जो सड़कों पर किसान पिछले कई दिनों से यहाँ पर डटे हुए हैं, जब तक बिल वापस नहीं होगा घर वापस नहीं जाएंगे। किस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था आप करें? हमारी दिसंबर महीने से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। हम हनुमानगढ़ की साथ संगत के सहयोग के साथ ये लंगर चल रहा है हमारा। सुबह पकौड़ों का लंगर चलता है और शाम को जलेबी का या देसी घी का हलवा चलता है। ये सेवा हम ये साध संगत की सेवा कर रहे हैं, और इसके साथ ही जब तक ये चलता रहेगा, जब तक ये संगत यहाँ पर बैठी है, किसान बैठा है, किसी भी कोई धर्म नहीं है किसान का, और किसी धर्म से वो बिलोंग नहीं करता है। सिर्फ उसका एक ही मतलब है कि किसान किसान किसान, चाहे वो किसी भी जात का हो, इसमें जात पात कोई नहीं है, और सभी की सेवा हम कर रहे हैं। जब तक चलता रहेगा इस शाहजहाँ बॉर्डर के ऊपर, हम सेवा करते रहेंगे। केंद्र सरकार के साथ 9 दौर की वार्ता हो चुकी है, हालांकि अभी तक किसी भी वार्ता के अंदर किसानों की मांग नहीं मानी गई है। क्या आपको लगता है 15 जनवरी को दोबारा बातचीत हो रही है? दोबारा 15 जनवरी को बातचीत हो रही है, लेकिन हमें नहीं है 1% भी की ये बात मानेगी, क्योंकि ये जब तक 26 दिसंबर का प्रोग्राम जो अलाउ हो चुका है, यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है, वो दिल्ली के अंदर एंटर करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये बॉर्डर जो भी बैरिकेड लग चुके हैं, आगे साथ साथ बैरिकेड लगा चुके हैं रोड के ऊपर, लेकिन सातों बैरिकेड को तोड़कर आगे निकलेंगे, और 20-22 तारीख के बाद 26 जनवरी को अब दिल्ली के अंदर डेरा डालेंगे, और वहाँ मेन इंडिया गेट है, वहाँ पर पहुँचेंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़े। इसके लिए हमारे साथ जो हमारे पंजाब के लोग, हरियाणा के भाई बंधु मिलके किसानों के साथ मिल रहे हैं, उनके साथ मिलके सारा ये बैरिकेड साथ तोड़ के दिल्ली के एंटर करेंगे, और अपना दिखाएंगे भी किसान भी एक शक्ति है, जिस इस मोदी के खिलाफ, जिसने हिंदुस्तान को सारे के ऐसे शिकंजा डाल रखा है कि ये सारे हिंदुस्तान को कवर करके मोदी और जो बड़े बड़े लोग, उनको पैसा सारा हिंदुस्तान का, किसान का पैसा उनकी जो जेबों में डाल रहा है, और पब्लिक का गरीब से गरीब हो रही है। दिल्ली की शाहजहांपुर टीकरी सिंह बॉर्डर पर लाखों किसान डटे हुए हैं। 26 जनवरी को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है? रणनीति तो यही है जी, हमारा का यहाँ है सेवा का काम। जितनी देर मोदी नहीं मानेगा, 24 तक नहीं मानेगा, तो 24 तक ही यहाँ लंगर लगाएंगे हम। तो मोदी मानेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे हम। बिल्कुल, आपका ये दृढ़ संकल्प है? दृढ़ संग हमारा दृढ़ है यहाँ। इस बार 26 जनवरी की परेड में किसानों के ट्रैक्टर शामिल होंगे, और ये आर पार की लड़ाई है। अगर इससे भी नहीं माने ना, तो आंदोलन के मतलब ये आगे बढ़ने होने वाले मतलब
बच्चों के लिए भविष्य खराब करेंगे। देखो ऐसा है कि ये जो 15 तारीख की वार्ता का समय दिया है सरकार ने, उसमें हमारे को ये उम्मीद नहीं है कि 0% भी ये कोई बात मान लेंगे, क्योंकि ये 9 दफ़े वार्ता हो चुकी है, उसका रिजल्ट 0 रहा है और अभी भी 0 रहने की उम्मीद है। लेकिन किसानों ने रणनीति, जो किसान संयुक्त किसान मोर्चा है, उनकी ने रणनीति तय कर दी है कि अब 10 तारीख से 20 तारीख तक गांव के अंदर हम हर गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहां से उनको कॉल ये कर रहे हैं कि आप 26 तारीख को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ज़्यादा से ज़्यादा करीब, कोशिश ये है कि हर गांव से ट्रैक्टर शामिल हो और उसके अंदर हम यहां हैं तो वो तो हैं ही, लेकिन और लोगों को भी, जिसमें महिलाएँ भी होंगी, बच्चे भी होंगे, वो सब के सब 26 तारीख को तो तय हो गया कि 26 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करेगा किसान और हम निश्चित तौर पर 26 तारीख को कूच करेंगे। और जो परेड 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस पर हो रही है, वो किसान एक दूसरा मार्च दिल्ली के अंदर निकालेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों के अंदर किसान इस शाहजहाँपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। अब किसानों का मानना है कि 26 जनवरी को होने वाली इस परेड के अंदर किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों के द्वारा दिल्ली कूच करेंगे। अनेक भी किसान हम इनसे जानना चाहते हैं क्या रणनीति है 26 जनवरी को। ये लोकल है, फुल सहयोग करेंगे भाई साहब। रणनीति है, जब तक मोदी जी नहीं मानेंगे, जब तक यहाँ से हम नहीं हटेंगे जी। किस तरीके की व्यवस्था आप यहाँ पर कर रहे हैं? किसान संगठन भी मौजूद हैं, अनेक किसान पहुँच रहे हैं, अलाव का सहारा भी ले रहे हैं, टेंट में निवास कर रहे हैं रात्रि को। हम यहाँ सबकी व्यवस्था कर रखे हैं और हम लंगर चलाते हैं, लंगर में सेवा देते हैं जी। जब तक मोदी जी नहीं माने, जब तक नहीं हटेंगे हम यहाँ से। बिल्कुल विभिन्न राज्यों के यहाँ पर किसान संगठन पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं, किसान लंगर चलाते हैं, देर रात्रि में भी यहाँ पर अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं आप यहाँ पर देख सकते हैं। सांझा बॉर्डर पर पिछले 47 दिनों से 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, लोग टेंटों में निवास कर रहे हैं। इस दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर 48 नंबर इस सड़क मार्ग पर पिछले 47 दिनों से किसान डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बुजुर्ग भी आप देख रहे हैं 100 साल की एज के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में किसान सेवा कर रहे हैं, सब्जी व रोटी चावल हर प्रकार की सुविधा यहां पर नजर आ रही है, किसी प्रकार की समस्या किसानों को नहीं है। आप देख सकते हैं कि किसान के खेत से आने वाली गाजर, यहां पर गाजर पाक भी मिल रहा है, दूध भी मिल रहा है, लस्सी भी मिल रहा है, कहीं भी कोई समस्या नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहां इस विपिन विषम परिस्थितियों में किसान पिछले 47 दिनों से डटकर इस आंदोलन को अब जीतने की कगार पर है। हालांकि अब किसानों का एक ही मकसद है, दृढ़ संकल्प किसानों ने ले लिया है कि 26 जनवरी को किसान निश्चित रूप से लाखों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों के द्वारा दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली परेड करेंगे। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, सांझापुर बॉर्डर।